गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है क्या। ठीक है, तो वह है ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ के बारे में हम आज स्टडी करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो पूछे गए हैं, है ना, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो कंडक्टर मटेरियल होता है वो क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर मटेरियल। ठीक, तो ये हमारा है एक कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सपोज एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी मेटल है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगा और हमने देखा इसका जो एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, हमने सपोज किया जो भी है, हमने 35 सपोज कर लिया टेम्परेचर। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और ये हो जाए आपका 45। ठीक है, तो हम ये देखेंगे जो 35 पर करंट फ्लो हो रहा था, अब वह कहीं कहीं 45 डिग्री सेल्सियस पर, 45 टेम्परेचर पर वह चेंज है, उसका करंट चेंज है। ठीक है, इसलिए हम जो टेम्परेचर होगा वह एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे कि इस टेम्परेचर पर हम कंडक्टर के मटेरियल्स को देखेंगे और उसमें करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है ना, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो ओम्स लॉ पर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसको ये भी बोलते हैं रिलेशन बिटवीन भी एंड आई। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन एनी कंडक्टर मटेरियल जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और करंट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है, किस तरह से डिपेंड है। देखिए, ये दो पॉइंट, एक जीरो पोटेंशियल है और एक 10 पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरह से तो कुछ करंट फ्लो होगा ये। ठीक है, और हमने सपोज किया ये जीरो पोटेंशियल है और ये जो है आपका 50 पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो और तेजी से होगा, है ना। उसके बाद हमने एक तीसरा कंडक्टर लिया और ये जीरो पोटेंशियल और ये 100 पोटेंशियल। अब बताइए, अब ये जो स्लोप है यानी और तेजी से ये जो चार्ज है फ्लो होगा, क्योंकि ढलान है ना, स्लोप है। ठीक, अब उसके बाद यहां पर ला ये, और ये हो गया आपका 100 पोटेंशियल, और सॉरी 1000 सपोज, ये 1000 पोटेंशियल। अब देखिए कैसा होगा ये, समझ रहे ना, तो करंट फ्लो इस तरह से बहुत तेजी के साथ होगा। तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो कम करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ और करंट फ्लो हुआ, और इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर करंट इंक्रीज होगा जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो देखा पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अभी इसके पहले हमने क्या देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि कंडक्टर मटेरियल पर, यानी कंडक्टर मटेरियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है इसको रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, ओके, वन सेकेंड, ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर
करेंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो यहां से दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यही है ना, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। या फिर ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ना, ओके, या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ये भी हो सकता है, ओके। प्रोपोर्शनल साइन आता है, इक्वल आता है विथ कॉन्स्टेंट, वी इक्वल कॉन्स्टेंट आर आई, तो प्रोपोर्शनल इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, तो आर क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसी कॉन्स्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, ओके, वेयर आर इज ए कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ओके, ये है कॉन्स्टेंट यानी रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर मटेरियल के नेचर पर डिपेंड है, यानी कंडक्टर मटेरियल है कैसा, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, क्या है, ठीक है, इसके नेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि लेंथ किस तरह से, छोटा लेंथ है, बड़ा लेंथ है, छोटा लेंथ होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, बड़ा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है, किस तरह से टेम्परेचर को डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, है ना, ओके। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वह कंडक्टर मटेरियल के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, जो एरिया होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा कंडक्टर वायर होता है, जहां पर भी हम वायर देखेंगे, कहीं पे भी वायर आप देखे होंगे, ठीक है, अपने जो बड़े बड़े पोल यानी खंभों में लगे हुए वायर हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल, ये वर्ड याद रखिएगा। और घर में जो पतले पतले वायर लगे हुए हैं वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है, इसको हमने बताया, नेचर पर, टेम्परेचर पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और लेंथ पर। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, आगे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं रेजिस्टेंस आर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है इसको नोट कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, आर इज कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर डिपेंड, ये इस पर डिपेंड करता है। इन सबको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डिटेल्स में। अब यहां से आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, यही है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर या आर इंटू आई, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, आर का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो यहां से मिलेगा आपको आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हुआ। ठीक है, अब इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और आई क्या है, करंट, ये। ठीक है, ओके, ये है रेजिस्टेंस वी अपॉन आई, क्लियर। अब यहां से हम ये कैलकुलेट करते हैं आर की यूनिट पर आते हैं कि आर की यूनिट क्या होगी, यानी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है,
अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय यूनिट ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट आप पढ़े हो, ये हुआ आपका यूनिट ऑफ वी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ करंट आई। तो आर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का एम्पियर, ठीक है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में वी यानी वोल्ट पर एम्पियर, ये है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अब इसकी एक और यूनिट होती है, ठीक है, और वह होता है ओम, ओम, ठीक है, यह है ओम, इसी को बोलते हैं ओम, वोल्ट पर एम्पियर को। अब अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, हम डिफाइन करते हैं वन ओम होता क्या है, ठीक है, वन ओम, वन ओम क्या है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने सपोज किया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह है वन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वन वोल्ट, ठीक है, ओके। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है यहां से यहां तक, हमने सपोज किया वन एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। इन एनी कंडक्टर मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड करंट इन कंडक्टर ऑफ वन एम्पियर, देन इट इज वन ओम, ठीक है, वन ओम, ये बढ़िया रखे, वन ओम, ठीक है। तो वन ओम को हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम है क्या, ओम, ठीक है, ओके। तो वन ओम को डिफाइन करते हैं, वन ओम, ओम का ये सिंबल है, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है, वन ओम, वन ओम क्या है, इसी को राइट डाउन कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज वन वोल्ट एंड करंट फ्लो, फ्लो करंट फ्लो ऑफ द कंडक्टर, करंट फ्लो ऑफ इन कंडक्टर इज वन एम्पियर, ठीक है, देन इट इज वन ओम, तो ये क्या होगा, वन ओम होगा, ठीक है, ये है वन ओम की डेफिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए। ये हुआ आपका वन ओम क्या है, ठीक है। अब हमने पढ़ा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आई आर। अब यहां से आई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वी अपान आर, ठीक है। अब ये जो करंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, ठीक है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, कि ये जो करंट हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, रेजिस्टेंस के। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए अगर हम इसको याद रखिएगा, वी अपान आई जहां पे मिलेगा वी अपान आई, वहां पर हम क्या रखेंगे, करंट, ठीक है। देखिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को टू टाइम कर दें, टू टाइम, तो वी के प्लेस पर क्या होगा, टू वी, है ना, तो यहां पर आई इज इक्वल टू होगा टू वी अपान आर। तो अब इसको क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू टू इन टू वी अपान आर, तो वी अपान क्या है, आई है ना, तो ये हुआ टू आई, यानी करंट कितना हो गया, टू टाइम। जब पोटेंशियल डिफरेंस टू टाइम हुआ तो करंट भी टू टाइम हो गया, क्लियर,
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दें, हाफ, तो वी के प्लेस पर क्या रखोगे, हाफ, यानी वी बाई टू हाफ हुआ और ये हुआ आर। तो क्या लिखा हमने, आई इज इक्वल टू वी अपन आर, क्या शो कर रहा है आई, तो ये हुआ आई बाई टू, यानी करंट क्या हो गया हाफ। इसीलिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा होगा उतना आपका करंट कम ज्यादा होगा, ठीक है, ये पहला फैक्ट है। अब इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस पर आते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को टू टाइम कर दें, टू टाइम, तो यहां से आपका होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन रेजिस्टेंस को क्या किया टू टाइम, तो हो गया टू इंटू आर, वी अपॉन आई क्या शो कर रहा है, करंट आई शो करेगा वी अपॉन आई और ये बाई टू, तो करंट क्या हो गया हाफ। रेजिस्टेंस को हाफ किया, सॉरी रेजिस्टेंस को टू टाइम किया तो हमने देखा करंट हाफ हो गया, है ना। अब अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस है इसको हाफ कर दीजिए आर बाई टू, अब ये जो टू होगा न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जानते हो, ओके, तो आई इज इक्वल टू टू इंटू वी अपॉन आर क्या है करंट आई, तो ये है आई टू इंटू आई, यानी टू टाइम हो गया, क्या बात है। रेजिस्टेंस को हम हाफ किए करंट दोगुना हो गया, और रेजिस्टेंस को टू टाइम किए तो करंट हाफ हो गया, है ना। इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो करंट है वह रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से ये हमको समझ में आता है किस तरह से करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस पर डिपेंड है, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, ओके ओके। तो ये हुआ आपका, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ, दैट इज इफ पोटेंशियल डिफरेंस पी पोटेंशियल डिफरेंस इज टू टाइम देन करंट इज ऑल्सो टू टाइम, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट इज ऑल्सो हाफ। हाफ को हम बोलते हैं हेल्व, ठीक है, हेल्व, यस ए एल वी ई डी, इसको हाफ बोलते हैं, ठीक है। अब फिर करंट, करंट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज इफ रेजिस्टेंस इज टू टाइम देन करंट इज हाफ एंड रेजिस्टेंस इज हाफ देन करंट इज टू टाइम्स, ठीक है। ये है आपका ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ पर ये जो फार्मूले आपको मिले हैं, ठीक है, इस पे इसे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, है ना, उसको करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो क्या है इसको देखते हैं। ये जो ग्राफ है, सॉरी, ये जो टॉपिक है, यानी ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ क्या होगा, है ना। तो देखिए वी अपॉन आई क्या शो करता है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये वर्ड याद रखिए, यानी वी और आई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, पक्का है, तभी शो करेगा कि ये ओम्स लॉ है, अदरवाइज नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हो, इसको करंट मान सकते हो, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस, इसको करंट मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है, ओके। तो हम इसको करंट सपोज कर लेते हैं, ये है करंट, करंट, और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर, इसलिए स्ट्रेट पर बनेगा, इसको देखिए, ये हुआ आपका मान लो टू फोर
सिक्स एट टेन ये ट्वेल्व, ठीक है, ये है जीरो एनसीएल, और यहाँ पर आपका है वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से। तो करंट एम्पियर में वन एम्पियर टू एम्पियर थ्री एम्पियर फोर फाइव बोल्ट में आपका पोटेंशियल डिफरेंस टू फोर सिक्स ये बोल्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास टू पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है टू, ठीक है, तो यहां पर ये होगा टू और करंट क्या मिला वन, है ना। तो देखिए बताइए भी और आई का जो रेशियो होगा भी अपान आई क्या होगा टू बाई वन इक्वल टू टू, क्लियर ओके। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फोर है तो हमारा जो ये एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस पर फोर यूनिट यहां पर वाई एक्सिस पर टू यूनिट आ रहा है ये, अब इसका रेशियो बताइए ये है फोर पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी अपान आई मीन टू, आप इसको कैलकुलेट करिए ये हुआ टू, क्लियर है ना ओके। तो इस तरह से ये सिक्स ये थ्री ये एट ये फोर ये फाइव और ये टेन सबका रेशियो देखोगे क्या मिलेगा टू 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 टू, है ना। तो भी अपान आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना सब पे, है ना। तो ये है ग्राफ, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज ए स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। और वहां से 100% भी अपान आई आपका क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट आना चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर कहीं पर डिफरेंस आया तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्लियर। तो ग्राफ कैसा बना स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। तो आप ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हम किस तरह से करते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट लैब में भी होता है। तो लैब में हमारा इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होगा, एक सर्किट होगा इंस्ट्रूमेंट का जो इस तरह से होगा, ये सर्किट है ना। तो सर्किट को देख लेते हैं कैसा है, ये क्या है आपका बी, बी मीन्स बैटरी, ठीक है, और ये क्या है आपका स्विच, ये क्या है आपका एम्पियर, क्या मेजर करता है करंट, और ये क्या है वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज को मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और ये है रेजिस्टेंस, है ना। और ये भी जानते हैं याद करिएगा जो हमारा एम्पियर होता है जो करंट मेजर करता है यानी ए मीटर वह सीरीज में जुड़ा होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वह रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ा होता है, इसको याद रखिएगा पक्का, ठीक है। देखिए अब यह है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी इसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, ठीक है। अब ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, ठीक है, और बढ़ाते जाएं ताकि जो हमारा ये सर्किट है ना वो ब्रेक ना हो टूटे ना, ठीक है। नहीं तो अगर हम वोल्टेज और बढ़ा दिए और जो रेजिस्टेंस है वह बहुत पतला है, ठीक है, टूट जाए तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा ओम्स लॉ है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट को भी मेजर करेंगे यानी यहाँ पे बैटरी की जो कैपेसिटी है यानी बैटरी को ऐड करते जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से, तो हमको क्या मेजर करके देगा करंट को भी मेजर करके देगा कितना फ्लो हो रहा है, ए मीटर लगाए हुए हैं और वोल्ट कितना वोल्ट फ्लो हो रहा है कितना वोल्टेज है इस बैटरी का वो भी हमको मेजर करके देगा, है ना। इस तरह से एक ये हमारा सर्किट है। अब हमने देखा ये एक बैटरी लगा हुई है तो हमने रीडिंग देखी वोल्टेज की रीडिंग देखी तो वोल्टेज आया 10, ठीक है, और इस पर देखा तो इस पर आया 2, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको और बढ़ा दिया और इंक्रीज किया धीरे धीरे इंक्रीज किया तो अब इसमें देखा वोल्ट मीटर में आया 20 और जो करंट फ्लो हुआ हमने देखा 5 और सॉरी 4,
इस तरह से हमने और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, तो हर एक इंक्रीज पोटेंशियल पर हम पोटेंशियल और करंट को मेजर कर लिया, एक टेबल बना लिया। ठीक है, इस तरह से 35, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या ले लें, 6 ले लो, ठीक है। अब क्या ले लें, और सपोज 100 ले लो, ठीक है, हमने दिया 100 आया बोल्ट, और जो करंट मेजर किया वो आया 20 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने रीडिंग ले लिया, रीडिंग लिया, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, रीडिंग हमने ले लिया, अब हम क्या चाहते हैं, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ को फॉलो होना चाहिए ये टेबल, है ना। तो किस तरह से होगा, वी अपन आई एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देख रखिए, वी अपन आई क्या होगा, 10/2, 5, 20/4, ठीक है ना, 5, 30/6, क्या मिला, 5, 100/20, 5, है ना। तो हमने देखा 5, 5, 5, 5 क्या है, कांस्टेंट, किसका रेशियो, बी और आई का रेशियो, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये है एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओके। अब नाउ नेक्स्ट, तो हमने पढ़ा हुआ है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा हुआ है सुपर कंडक्टर क्या होता है, हमने आपको बताया है लेक्चर 5, 6, 7, ठीक है, उसके पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ मिलेगा, याद है ना, क्लास 12th के प्लेलिस्ट में मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको भी पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स पढ़ना है तो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो लो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत लो होता है वह कंडक्टर एक गुड कंडक्टर कहलाता है, यानी अच्छा कंडक्टर कहलाता है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, इसका मतलब है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, वह क्या है, बहुत लो है, बहुत बहुत लो है, कितना लो है अभी हम आगे टेबल एक बताएंगे उसमें मिलेगा, ठीक है, ओके। ये हुआ कंडक्टर, उसके बाद आता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टेंस ही रजिस्टर है, यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टेंस इज ए रजिस्टर, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, प्रेस होता है, ठीक है, वो उसमें जो ये इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टर, यानी रजिस्टेंस, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हीटर में जो हम वायर लगाते हैं, कॉइलिंग किया हुआ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है, और उसकी जो रजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें ये जो मेटल हम यूज करते हैं, ठीक है, आपका हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक केटल हुआ, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, तो इसमें हम देखेंगे जो हम ये रजिस्टर यूज करते हैं, ये तो हुआ आपका कंडक्टर यानी टोटल मेटल हुआ, और ये जो होता है आपका एलॉय होता है, एलॉय, ठीक है। अब ये एलॉय क्यों यूज करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और ये जो जिस तरह से अगर हम लोहे को एयर में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, पानी में डुबो दें, तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज बनाता है, ठीक है, तो ये जो एलॉय होता है वह ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, कितना भी हम इसको हीट करें ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर जिस पे आप भोजन पकाते हो, ठीक है, ये। अब उसके बाद आता है इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वह कहीं कहीं क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसका, करंट फ्लो होने का, ठीक है। तो ये था टॉपिक आज का, ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, थैंक यू।